गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 देखने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा हम लोग टेस्ट के बारे में बात करते हैं। ये हम लोग को 0.9 में भी था, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं था। अभी हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं। सिमिलैरिटी टेस्ट इन ट्रायंगल्स, ठीक है, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स। एक होती है SSS, एक होती है SAS, एक होती है AAA और एक होती है AA। तो AAA को ही AA बोलते हैं, तो हम लोग तीन याद रखेंगे, SSS, SAS और A। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? सिमिलर मतलब देखना, कॉन्ग्रेंट मतलब दोनों इक्वल, दिखने में सेम, और सिमिलर मतलब वो इक्वल होते हैं ऐसे जरूरी नहीं। जैसे कि हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, उसका मैप बनाते हैं, तो मैप और बिल्डिंग में तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन वो दोनों सिमिलर होते हैं। हम लोग कभी कभी छोटी बच्चे को बोलते हैं, यार ऐश्वर्या राय जैसी दिखती है। अब ऐश्वर्या तो बड़ी है और वो तो छोटी बच्ची है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमिलर है, नॉट कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट मतलब जुड़वा बहन, जो सेम दिखती है, उनके बाल सेम है, सब कुछ सेम है, दिखने में सेम है, उनकी आंखें सेम है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। और सिमिलर मतलब उसके जैसा ही लेकिन छोटा सा रूप। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब दो ट्रायंगल में, मान लो यहां पर ही दिया है, देखो अब यहाँ पे क्या दिया है, PQ दिया है, LM दिया हुआ है, तो PQ अपॉन LM लेना है। PQ 6 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, 3 2 6 3 1 3। फिर वापस QR, QR अपॉन MN करना है, 8 अपॉन 4, 4 2 8, 4 1 4। उसके बाद PR अपॉन LN, 10 अपॉन 5, 5 2 5 1 5। यहाँ पर तीनों का प्रोपोर्शन सेम है। कॉन्ग्रेंट में क्या है, PQ इज इक्वल टू LM होता है, और सिमिलर में क्या है, उनका प्रपोर्शन सेम होता है। तो देखो इन तीनों का प्रपोर्शन सेम है, मतलब क्या है, PQ अपॉन LM का जो प्रपोर्शन है वही प्रपोर्शन किसका है, QR अपॉन MN का है, और वही प्रपोर्शन किसका है, PR अपॉन LN का है। तो तीनों साइड प्रपोर्शन में, देन वो दो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। PQR सिमिलर ट्रायंगल LMN, और तीनों भी हम लोग ने साइड लिया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं SSS टेस्ट, ठीक है। दो ट्रायंगल सिमिलर क्यों है, क्योंकि तीनों भी साइड का प्रपोर्शन क्या है, सेम है। उसी तरह से अगर हमको एक साइड कम दिया जाएगा, दो साइड का अगर हम लोग को प्रोपोर्शन दिया रहेगा और उसके बीच का कोई एंगल कॉन्ग्रेंट दिया रहेगा 50-50, तो क्या करोगे तुम, PQ अपॉन LM लोगे, QR अपॉन MN लोगे, उसका रेशो निकालोगे। उसका रेशो निकालने का अगर दोनों सेम आया और उन दो साइड के बीच वाला एंगल अगर इक्वल होगा, तो वो दो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और हम लोग वहां पे उसका रीजन लिखेंगे, कौन सी टेस्ट, साइड एंगल साइड, मतलब SAS टेस्ट बोलेंगे उसको हम लोग, ठीक है। तो तीसरा है कि अगर दो ट्रायंगल दिए हुए ऐसे, कोई भी ट्रायंगल, हाँ, तो यहाँ पे देखो A और P दोनों 50 है, B और Q दोनों 90 है, दोनों लिख देने का, दो एंगल सेम आया इसलिए दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और टेस्ट आएगी A टेस्ट आएगी। तो इस तरह से तुमको रीजन लिखने हैं, ठीक है, 1.3 में वो जरूरी है। और जब तक दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं आते, जब दो ट्रायंगल सिमिलर आएंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर आएंगे तो याद रखना हम लोग को छह बातें मिलती है। नंबर वन, तीनों जो साइड होती है वो प्रोपोर्शन में आती है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, ये तीन बातें मिल गई। जब दो ट्रायंगल सिमिलर ये अगर सिंबल दे दिया, याद रखना है बिना सोचे समझे तुमको तीनों साइड प्रोपोर्शन में लेना है, प्लस तीनों एंगल कॉन्ग्रेंट आते, एंगल ए कॉन्ग्रेंट एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रेंट एंगल क्यू और एंगल सी कॉन्ग्रेंट एंगल आर। सिर्फ इतना सा सिंबल दिया तो तुम इतनी सारी बातें ले सकते हो, और इसमें से अगर कोई एक बात चाहिए रहेगी वो भी ले सकते हो। जैसे अगर तुम्हारे पिताजी ने तुमको 10,000 रुपये दे दिया, बोला जा बेटा जो लेना है, तो तुम 10 का 10,000 खर्चा नहीं कर सकते, उसमें से कुछ बातें रख सकते हो और जो लेना है वो ही ले सकते हो। तो इसमें से अगर तुमको आंसर में सिर्फ यही चाहिए तो ये ले लेना, बाकी मत ले लेना, ये चाहिए तो ये ले लेना, अगर ये चाहिए तो ये ले लेना, लेकिन इतना सब कुछ ले सकते हो, सिमिलर होगा तो। अगर लेकिन सिमिलर नहीं दिया रहेगा तो तुमको पहले सिमिलर लाना है, और सिमिलर लाने के लिए हम लोग को कम से कम तीन बातें ढूंढनी पड़ती है ट्रायंगल में, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं
सॉल्व करना। तो 1.3 का पहला इन फिगर एंगल एबीसी 75 एडी से 75 पूछा गया कि स्टेट विच टू ट्रायंगल स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, ठीक है, आल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स बाय अ प्रॉपर 1:1 करेस्पोंडेंस। ठीक है, देखो अभी क्या क्या दिया है तुमको, ये 75 दिया है, 75 दिया है, ठीक है, इसका नाम है डी, डी मतलब ईडीसी लिखेंगे इसको, ईडीसी, और ये बी मतलब एबीसी, दोनों भी क्या है 75, ठीक है। अब जब भी तुम सिमिलैरिटी किसी ट्रायंगल में लेते हो ना, तब सबसे पहले ये लिखना जरूरी, इन ट्रायंगल ईडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी, इन लिखना जरूरी है। क्या दिया है, एंगल ईडीसी और एंगल एबीसी दोनों भी इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रंट है, ठीक है, गिवन हमको दिया हुआ है 75 है ना। अब देखो एबीसी के अंदर एंगल सी है, ठीक है, और ईडीसी के अंदर भी क्या है, सी है। मान लो एबीसी का अगर सी लेंगे तो भी 50 आएगा और ईडीसी का लेंगे तो भी 50 आएगा, मैंने मन से लिया हुआ है, लेकिन एबीसी में सी है और ईडीसी में भी सी है, दोनों में वो कॉमन है और कॉमन एंगल कभी भी क्या आता है, इक्वल आता है। तो एंगल सी, कॉन्ग्रेंट एंगल सी, उसको बोलेंगे हम लोग कॉमन एंगल। आ गया, दो बातें मिल गई, तो दो ट्रायंगल क्या आ गए, सिमिलर, ईडीसी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी, और टेस्ट आया कि दोनों भी एंगल है, इसलिए ए ए टेस्ट, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहां पे पी क्यू अपॉन एल एम, सिक्स थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री, क्यू आर एम एन एट अपॉन फोर, फोर टू जेड, फोर वन जा फोर, ए सी सॉरी पी आर एल एन टेन फाइव, फाइव टू जा वन, फाइव वन जा फाइव, फाइव वन जा फाइव, तीनों का प्रोपोर्शन सेम आ गया, तो यहाँ पे लिखना है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन, तीनों का प्रोपोर्शन सेम है इसलिए मैंने इक्वल का सिंबल डाल दिया, फ्रॉम वन टू एंड थ्री। सो ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल एल एम एन क्या हो जाएंगे, सिमिलर, और टेस्ट आएगी एस 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 टेस्ट, क्यों, क्योंकि ये तीनों भी साइड है, इसके अंदर एक भी एंगल नहीं है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, यहाँ पे देखो तुमको दिया हुआ है कि पी आर एक पोल है, ए बी भी एक पोल है और उसका शैडो गिरा हुआ है। ठीक है, अब देखो पोल, कभी भी पोल को हम लोग तिरछा नहीं लगाते, पोल को कभी भी क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रेट लगाते हैं हाइट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोल है इसलिए दोनों भी 90। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देने का एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू इज इक्वल टू ए सी बी, दोनों दोनों भी क्या होंगे 90, तो यहाँ पे आएगा इच 90। दूसरी बात, जब भी सनलाइट दो पोल के ऊपर गिरता है सनलाइट, तो उसका एंगल हमेशा याद रखना इक्वल होता है। ठीक है, सनलाइट जो गिरते हैं ना वो कभी भी पैरेलल होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ऊपर से सनलाइट गिरा, यहां पे दिया हुआ है इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू द सनलाइट इज 6 मीटर, देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल, दिया हुआ है। तो जो सनलाइट गिरा हुआ है ऊपर से, वो सनलाइट क्या होगा, हमेशा
सनलाइट से जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्यू पी आर बी ए सी दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। वाई एंगल्स मेड बाय सनलाइट, ये सनलाइट की वजह से वो एंगल बने हुए हैं, ये ऊपर वाले पोल के ऊपर गिरा है ना सनलाइट यहाँ पर, तो उसके एंगल दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर तुमको दोनों पे एंगल मिल गए, दोनों एंगल मिल गए तो क्या हो जाएगा, एट एस। तो यहाँ पे लिखोगे इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंड ट्रायंगल ए सी बी, एंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट ए सी बी, एंगल क्यू पी आर बी ए सी, आ गया। दोनों भी एंगल है, एंगल एंगल, इसलिए दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल पी आर क्यू सिमिलर ट्रायंगल ए सी बी, एंगल एंगल मतलब टेस्ट आएगी ए टेस्ट। सर ये एंगल इक्वल क्यों आया बेटा, वो पोल है, पोल मतलब हमेशा 90 होगा। सर ये वाला एंगल इक्वल क्यों आया, क्योंकि सनलाइट उस पोल के ऊपर गिरा तो वहाँ पे पोल के आसपास जो भी एंगल बनेंगे वो क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे, क्योंकि सनलाइट हमेशा इक्वल एंगल बनाता है। तो यहाँ पर दोनों आ गए, तो यहाँ पर दो एंगल मिल गए, तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा सिमिलर ट्रायंगल और टेस्ट आएगी ए टेस्ट। और फिर मैंने क्या बोला, सिमिलर आ गया तो तुम लोग कितनी बातें ले सकते हो, छः बातें ले सकते हो। देखो हम लोग को सिर्फ एक्स निकालना है ना, तो एंगल मत लो, सिर्फ साइड लेना है हमको, पी आर अपॉन ए सी, ठीक है, आर क्यू अपॉन सी बी। देखो पी आर दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, आर क्यू दिया हुआ है, सी बी दिया हुआ है। अब पी क्यू और ए बी ले सकते हो, लेकिन दोनों की वैल्यू दी भी नहीं है और निकालनी भी नहीं है, तो सिर्फ दो ही लेना है, ठीक है, ये हो गया। अब वैल्यू डाल दो इसके अंदर, या इधर ही मैं लिख देता हूँ पी आर की वैल्यू। पी आर कितना दिया हुआ है, 4 अपॉन ए सी कितना दिया हुआ है, 8 इज इक्वल टू, आर क्यू कितना दिया हुआ है, 6 और बी सी कितना दिया हुआ है, x, 4 1 4 4 2 8, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे तुम लोग, अभी करता हूँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, x 1 x 6 2 12। तो उन्होंने क्या बोला है, How long will be the shadow of the bigger pole at the same time? तो लिखने का है, मीटर में दिया है ना इन्होंने, हाँ मीटर में लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है the shadow of the bigger pole, the shadow of the bigger pole is 12 meter at the same time. ये तुम्हारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे प्रूव दैट बोला है, सीपीए और ये सिमिलर बताना है। सिमिलर के लिए क्या चाहिए हम लोग को, कम से कम 3 या 2 बातें चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ साइड दिया ही नहीं है, तो कम से कम 2 बातें, म्हणजे 2 गोष्टी शोधायच्या आहेत, 2 बातें हम लोग को ढूंढना है जो दोनों में इक्वल होगा। देखो क्या दिख रहा है, इक्वल बगा 90 दिखते हैं, 90 दिख रहा है, दिख रहा है, वो ले लेने का, सी पी ए में देखना है, मैं निकाल के बता देता हूँ, सी पी ए और सी क्यू बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे, ये 90 है तो इसका नाम आएगा ए पी सी, ये 90 है सी क्यू बी, दोनों भी 90 किस में दिया है, गिवन में। ए पी सी में देखो सी नाम है, और बी की सी में भी सी नाम है, दोगा मध्य सी ना हुआ है, दोनों में सी नाम है मतलब कॉमन है, एंगल सी और एंगल सी कॉमन, ओके तो अभी हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल सी पी ए एंड ट्रायंगल सी क्यू बी,
जो लिखा था वही लिख देंगे। ए पी सी कॉन्ग्रेंट सी क्यू बी एंगल सी कॉन्ग्रेंट एंगल सी, तो दो ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। सी पी ए सिमिलर ट्रायंगल सी क्यू बी एंगल एंगल म्हणजे कोणती टेस्ट, ए ए टेस्ट। हो गया पहला आंसर। अब आते हैं दूसरे आंसर के ऊपर। मैंने क्या बोला है, सिमिलर दिया रहेगा तो छह बातें मिलती है, एक के नीचे एक साइड और एंगल सारे इक्वल। हमको एंगल नहीं चाहिए, अभी साइड चाहिए। तो एक के नीचे एक ले लो, सीपी के नीचे सी क्यू, सीपी और सी क्यू दिया है क्या? देखो सीपी दिया है नहीं, सी क्यू निकालना है नहीं, तो लेने की आवश्यकता नहीं है। पी ए अपॉन क्यू बी, पी ए दिया है क्या? दिया है। क्यू बी दिया है क्या? दिया है। सी ए सी बी, सी ए दिया है क्या? निकालना है मतलब लेना है। सी बी हाँ दिया है 12। अब वैल्यू डाल दो, पी ए की वैल्यू कितनी है 7, क्यू बी की वैल्यू है 8, ए सी की वैल्यू है मालूम नहीं, और बी सी की वैल्यू 12। 8 इंटू ए सी 12, 7 जा 84, 84 अपॉन 8, 8 वन जा 8, फिर 0 आएगा, हाँ डायरेक्ट मत करना, 8 फाइव जा 40, 8 वन जा 8, फिर 4 है मंगता, तो ऐसे कर लेना, 8 वन जा 8, ऊपर से लिया 4, 8 के बारे में 8 के टेबल में नहीं आता इसलिए 0, फिर आएगा, फिर पॉइंट आएगा 8 फाइव जा 40, तो ए सी की वैल्यू आएगी 10.5। कितना आएगी? 10.5। तुम लोग को आराम से करना है, या फिर अगर अपॉन में ही लाना है, 4 टू जा 8, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 21 अपॉन 2, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, या तो ये या तो ये, ठीक है। तो ये हमारा 1.3 का पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम लोग बाद में बनाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है, इसके अंदर 9 क्वेश्चन है और सारे एक भी क्वेश्चन बोर्ड ने कैंसिल नहीं किया, तो मैंने 1 2 3 4 लिया है, 5 6 7 8 9 हम लोग कर लेंगे, ठीक है, बाय।